नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शक मित्रों का हमारे चैनल 100% होम सॉल्यूशन टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहतरीन जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये आपने अवश्य कहीं ना कहीं देखा होगा, आप पहचान लीजिए। ये कोई ऐसा वैसा पौधा नहीं है, ये जबरदस्त ताकतवर जड़ी बूटी का पौधा है। आपने अश्वगंधा का नाम तो अवश्य ही सुना होगा, यही है वो अश्वगंधा। देख लीजिए, आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध और ताकतवर जड़ी बूटियों में शुमार है अश्वगंधा। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये अश्वगंधा का जंगली पौधा है जो आम तौर पर अपने आप उग जाता है। दोस्तों, ये आयुर्वेद में बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित है, और ये वैसे ही प्रचलित नहीं है क्योंकि इसके गुण और फायदे भी वैसे ही है। हमारे देश में हजारों सालों से लोग इसका उपयोग करते आए हैं और तभी तो आज भी उतना ही प्रसिद्ध है। ये आपको पूरे भारत में कहीं भी आसानी से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार के जो अश्वगंधा के जंगली पौधे हैं, अपने आप उगने वाले, ये पूरे भारतवर्ष में आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी जड़ों में घोड़े के पेशाब जैसी गंध होती है, इसी कारण इसे अश्वगंधा कहते हैं। दोस्तों, पुरुषों में होने वाली कमजोरी, धातु क्षीणता, स्वप्न दोष आदि विकारों को ये नष्ट करता है। ये आदमी को वीर्यवान और शक्तिवान बनाता है, कमजोरी को दूर करता है और संतान प्राप्ति के योग्य बनाता है। इसके बारे में हम आगे जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसके और फायदे हैं जो आप इस वीडियो में जान सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस जानकारी को अपने दोस्तों तथा मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम जो आपको जानकारी देने जा रहे हैं, ये सभी के लिए उपयोगी है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत ही मूल्यवान जड़ी बूटी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, यही है अश्वगंधा, और ये कई प्रकार की बीमारियों को खत्म करता है और शरीर की दुर्बलता, नपुंसकता तथा वीर्य दोषों का नाश करता है। यही नहीं, ये स्त्रियों के कई रोगों को भी दूर करता है। अगर आप इसका दवाई के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बाजार में मिलने वाली अश्वगंधा श्रेष्ठ होती है, इसका ही प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो अश्वगंधा का पूरा पौधा औषधीय गुणों से भरपूर होता है और इसका पूरा उपयोग किया जाता है, लेकिन शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए, शरीर को हष्टपुष्ट और शरीर की हाइट बढ़ाने के लिए अश्वगंधा की जड़ों का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर शरीर का वजन बढ़ गया हो, शरीर में चर्बी जम गई हो और मोटापा के शिकार हो गए हो, तो अश्वगंधा के पत्तों का उपयोग करने से मोटापा खत्म होता है। हमारे विशाल भारत देश में अनेक प्रकार के राज्य हैं और कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। आपके क्षेत्र में अश्वगंधा को किस नाम से जानते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताएं। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम है विथेनिया सोमनीफेरा। अश्वगंधा शरीर की हाइट बढ़ाता है, दुर्बलता मिटाता है, शरीर को शक्तिशाली बनाता है, बालों को काला बनाता है और आंखों की रोशनी तथा चमक बढ़ाता है। यही नहीं दोस्तों, इसका लंबे समय तक सेवन करने से 100 सालों तक बुढ़ापा की असर नहीं होती। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अश्वगंधा का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, किन किन बीमारियों में ये उपयोगी होता है और इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है। दोस्तों, महिलाओं में अक्सर सफ़ेद पानी की समस्या हो जाती है, जिसे ल्यूकोरिया कहा जाता है। सफ़ेद पानी की समस्या को दूर करने के लिए 2 से 4 ग्राम अश्वगंधा की जड़ों का चूर्ण लें और गुनगुने दूध में मिश्री मिलाकर सेवन करें। सुबह शाम कुछ दिनों तक इसका प्रयोग करने से ल्यूकोरिया की समस्या मिटती है। अगर उम्र से पहले जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, तो इन लोगों को 2 से 4 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा के चूर्ण का सेवन रोजाना पानी के साथ करना चाहिए, या दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं। इससे जल्दी ही सफ़ेद बालों की समस्या ठीक होती है। जिनको चश्मा आ चुका है, आंखों की रोशनी कम हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए 2 ग्राम अश्वगंधा के पाउडर के साथ 2 ग्राम आंवला का पाउडर मिलाएं और साथ ही 1 ग्राम मुलेठी का पाउडर मिलाएं। तीनों को अच्छी तरह से मिलाकर पानी के साथ रोजाना खाली पेट सेवन करें। दोस्तों, लंबे समय तक इसका सेवन करते रहने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। अगर किसी को खांसी की समस्या है, कफ जम गया है, तो अश्वगंधा की 10 ग्राम जड़ों को ले लीजिए और कम से कम 400 ग्राम पानी में पकाए। पकते पकते पानी जब आधा से भी कम रह जाए, तब छान कर उतार ले और इसमें मिश्री मिलाकर गर्म गर्म या गुनगुना पी जाए। 3 से 4 दिनों के प्रयोग से ही खांसी तथा कफ की समस्या में बहुत आराम होगा।
अगर किसी को पेट में दर्द हो, पेट में गड़बड़ हो, तो 2 से 4 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा के पाउडर के साथ गुड़ मिलाकर सेवन करें। अश्वगंधा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही फायदेमंद होती है। अगर कोई महिला गर्भधारण नहीं कर पाती, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो अश्वगंधा का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसके लिए प्रयोग बिल्कुल सरल और आसान है। मासिक धर्म के शुद्ध होने के बाद रोजाना गाय के घी के साथ अश्वगंधा के 2 से 4 ग्राम पाउडर का सेवन करें और लगातार 1 मास तक करें। इसके अलावा अश्वगंधा तथा सफ़ेद कटेरे की जड़ों का रस 10-10 मिलीग्राम की मात्रा में 5 महीने तक लगातार सेवन करते रहने से गर्भपात का खतरा टलता है और गर्भ की रक्षा होती है। दोस्तों अब जानते हैं अश्वगंधा का पुरुषों के लिए उपयोग। दोस्तों पुरुषों में होने वाली कमजोरी, धातु क्षीणता, स्वप्न दोष आदि विकारों को ये नष्ट करता है। ये आदमी को वीर्यवान और शक्तिवान बनाता है, कमजोरी को दूर करता है और संतान प्राप्ति के योग्य बनाता है। ये शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी और दुर्बलता को नष्ट करता है, नपुंसकता मिटाता है। जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर है, शरीर दुर्बल है और कमजोरी का शिकार हो चुके हैं, ऐसे लोगों को शरीर की दुर्बलता मिटाने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग रामबाण की तरह काम करता है। इसके लिए 10 ग्राम तिल और 10 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण दोनों को घी के साथ मिलाएं और साथ में 3 ग्राम शहद मिलाएं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें से 2 से 3 ग्राम की मात्रा में जाड़े के दिनों में सेवन करना है। तो दोस्तों इस प्रयोग को रोजाना करने से शरीर ताकत से भर जाता है और स्फूर्तिवान बनता है, शरीर की सारी दुर्बलता मिट जाती है। अश्वगंधा का प्रयोग शरीर की प्रकृति को देख कर किया जाए तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है और इसका लाभ मिल सकता है। हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। वात, पित्त और कफ तीनों प्रकृति वाले व्यक्ति अश्वगंधा का अलग अलग रूप से सेवन कर सकते हैं। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को 3 ग्राम अश्वगंधा की जड़ों का चूर्ण ताजे दूध के साथ सेवन करना उचित रहता है और वात प्रकृति वाले व्यक्ति को 3 ग्राम अश्वगंधा की जड़ों का पाउडर शुद्ध तिल के साथ करना उचित रहता है और वहीं कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को 3 ग्राम अश्वगंधा के पाउडर को गुनगुने पानी के साथ सेवन करना उचित रहता है। इस प्रकार से तीनों प्रकृति वाले व्यक्ति अश्वगंधा का सेवन करके पूरे जीवन भर निरोगी रह सकते हैं और शरीर की दुर्बलता को दूर कर सकते हैं। दोस्तों पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को दूध के साथ अश्वगंधा बहुत ही फायदेमंद होती है। 1 ग्राम अश्वगंधा के चूर्ण के साथ 125 मिलीग्राम की मात्रा में मिश्री मिला ले और गुनगुने दूध के साथ रोजाना सेवन करें। इससे वीर्य का पतलापन दूर होता है और सभी प्रकार के वीर्य दोषों का निवारण होता है। यही नहीं दोस्तों, स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी अश्वगंधा का सेवन बेहतरीन फायदेमंद होता है। अश्वगंधा का प्रयोग 2 ग्राम की मात्रा से लेकर अधिक से अधिक 5 ग्राम की मात्रा में करना उचित रहता है। अगर आप इसकी जड़ों को उबालकर काढ़ा बनाकर सेवन करना चाहते हैं तो 10 से 30 मिलीग्राम की मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। इससे ज़्यादा उपयोग करना उचित नहीं होता। अश्वगंधा का ज़्यादा मात्रा में उपयोग नुकसानकारी होता है और गर्म प्रकृति वाले को भी नुकसानकारी होता है। इसलिए दोस्तों अपने शरीर की तासीर के अनुसार उचित मात्रा में ही अश्वगंधा का सेवन लाभकारी होता है। दोस्तों ये गठिया की बीमारी में भी लाभकारी होता है। अश्वगंधा के 30 ग्राम ताजे पत्तों को 250 मिलीग्राम पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर पीने से गठिया की बीमारी में बहुत आराम होता है। ये प्रयोग 1 सप्ताह तक करना चाहिए। दोस्तों इसका 1 ताजा पत्ता रोजाना गुनगुने पानी के साथ लगातार सेवन करने से मोटापा की समस्या में बहुत आराम मिलता है।